नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज़ में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मंदसौर के शामगढ़ से खबर सामने आई, जहां पर अल्फोसा कॉन्वेंट स्कूल से 7 बच्चों का खेल प्रतियोगिता में स्टेट के लिए चयन हुआ है, जिसमें 4 बालक और 3 बालिकाएं शामिल हैं। वहीं टीचर और बच्चों से हमारे संवाददाता जावेद हुसैन ने खास चर्चा की। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम अल्फोसा स्कूल शामगढ़ डिस्ट्रिक्ट मंदसौर पे पहुंचे हैं। यहाँ से कुछ बच्चों का सिलेक्शन स्टेट के लिए हुआ है, कुछ बच्चे यहाँ से छतरपुर खेलने जाएंगे और कुछ बच्चे यहाँ से राजधानी जो है भोपाल में खेलने जाएंगे। आइए हम जानते हैं यहाँ के जो इनके टीचर हैं कि किस तरह से इनका एक सिलेक्शन हुआ है। पहले संभाग में हुआ था और अब यहाँ पर स्टेट खेलने जाएंगे। हमारे साथ इनके टीचर मौजूद हैं नारायण जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है नारायण सिंह राठौर, मैं एनआईएस एथलेटिक्स कोच हूँ इसे सेंट अल्फोंसा कॉन्वेंट स्कूल में। थोड़ा सा डिटेल में बताएं किस तरह से सिलेक्शन हुआ सभी बच्चों का। पहले ब्लॉक लेवल पे खेले थे, ब्लॉक लेवल पे जीतने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट जिले पे खेले, उसके बाद डिवीजन। इनका डिवीजन हुआ था उज्जैन में 1 अक्टूबर को, जिसमें सबने अलग अलग अंडर 14 और 17 में हमारे 7 बच्चे स्टेट के लिए सिलेक्शन हुए। तो अंडर 14 का स्टेट राज्य स्तरीय प्रतियोगिता वो होगी छतरपुर में, और जो 17 वर्ष की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है वो भोपाल में आयोजित होगी 3 से 8 नवंबर तक। बच्चों ने काफ़ी मेहनत करी है इसमें और इनके माता पिता और सपोर्ट की वजह से आज राज्य स्तर पे जा रहे हैं। और पहला स्कूल ऐसा है मंदसौर जिले के जिसमें 7 बच्चे एक साथ स्टेट राज्य स्तरीय एक ही गेम में जा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं एक टीचर होने के नाते आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत है बच्चों की इसमें, मेरे को भी अच्छा महसूस हो रहा है कि अपने बच्चे तैयार किए हुए आज मेडल जीत के जा रहे हैं और स्टेट जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये नेशनल तक 7 बच्चे नेशनल जाएं। आइए हमारे साथ ही कुछ बच्चे भी हैं, तो आप इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शोरेगेरा। क्या है आपका सिलेक्शन हुआ है और कहाँ जा रहे हैं अब आप खेलने? हम छतरपुर जा रहे हैं 3 तारीख को, मेरा सिलेक्शन हाई जंप और लॉन्ग जंप में हुआ है। हाई जंप और लॉन्ग जंप में आपका सिलेक्शन हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आइए कुछ बालिकाएं भी हमारे साथ हैं, देखते हैं हम यहाँ पर। ये एक बालिका है, इस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ है 400 मीटर हर्डल में। तो अब आप कहाँ पर खेलने जाएंगे? भोपाल खेलेंगे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं, या आपके माता पिता ने जिस दिन आप फर्स्ट लेकर आए थे या जीत कर आए थे उस दिन कैसा महसूस किया, क्या कहना था आपके पेरेंट्स का, आपके परिवार में, आपके दादा दादी का? सबको बहुत अच्छा लगा था। किसको श्रेय देना चाहेंगे अपनी इस कामयाबी के पीछे? सबसे पहले तो पीटी सर को, जिन्होंने हमारी इतना सपोर्ट करा, उसके बाद हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमारा सपोर्ट करा। एक और बालिका हमारे साथ है, क्या नाम है बेटा आपका? निधि भटनागर जी, आप ये बताएं कि किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ है और कैसा फील कर रहे हैं आप फिलहाल? फील बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगा नहीं था कि स्टेट में सिलेक्शन हो जाएगा, बट पीटी सर की वजह से हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या उम्मीद करते हैं आप आगे? आगे और अच्छे से खेलना है और आगे और बढ़े। एक और बालिका हमारे साथ है, क्या नाम है आपका और उम्र आपकी? सकीना तारिया, 13। 13 साल की, देखिए 13 साल की ये बालिका है जिसका सिलेक्शन हुआ है। कहाँ पर खेलने जाएंगे अब आप? छतरपुर खेलने। किस चीज़ में आपका सिलेक्शन हुआ है? 80 मीटर हर्डल। तो ये सब बालिकाएं थी, एक टीचर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये सभी आपने देखा कि आपके बालिकाओं को और बालकों का यहाँ पर चयन हुआ है, तो किस तरह का फील होता है टीचर के लिए? बड़ा गौरवान्वित पल होता है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि बच्चों की मेहनत रंग लाई है, और स्पेशली सर की, सर एथलीट कोच हैं और बच्चों को जिस तरह से उन्होंने गाइड किया है, बच्चों को उसी तरह से उनकी बात मानी है, इसीलिए वो आज इस मुकाम पर पहुंचे। मैं सबको हार दिखा के शुभकामनाएं दे रहा हूं। मेरा नाम किरण भट्ट। देखिए ये जो यहाँ पर टीचर है नारायण जी, किरण भट्ट जी, और इनके पीछे हमारे पीछे खड़े हुए कुछ बालक बालिका है, तो ये निश्चय ही एक गौरवान्वित का पल होता है एक टीचर के लिए, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, कि यहाँ से एक मैं तो ये कहना चाहूँगा यहाँ पर शामगढ़ की, कि पूरे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक गौरवान्वित पल है कि सेंट अल्फोंसा के यहाँ पर जो 7 जो बच्चे हैं वो यहाँ से स्टेट खेलने जाएंगे। और हमारी ओर से भी, हमारे चैनल के माध्यम से भी इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। मैं जावेद हुसैन, केकेडी न्यूज़।